ఆసియా గేమ్స్ లో భారత్ దుమ్ము రేపుతోంది, మెడల్స్ వేటలో దూసుకుపోతోంది. తెలుగు అమ్మాయి జ్యోతి సురేఖ కూడా ఆసియా గేమ్స్ లో సత్తా చాటింది. ఆర్చరీ కాంపౌండ్ మిక్స్డ్ టీమ్ ఈవెంట్ లో పవర్ చూపించింది. ఓజాస్ డియో టాలేతో కలిసి సత్తా చాటింది. ఆరంభం నుంచి దూకుడు చూపించింది. భారత్ ఖాతాలో స్వర్ణ పతకాన్ని వేసింది. ఆరంభం నుంచి జ్యోతి సురేఖ ఓజాస్ డియో టాలే జోడీ అద్భుత ప్రదర్శన చేసింది. కొరియాకు చెందిన సో చైవాన్ జూ జెహోన్ పై అప్పర్ హ్యాండ్ సాధించింది. 159-158 పాయింట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. సూపర్ పర్ఫార్మెన్స్ తో అందర్నీ ఫిదా చేసింది. ఆసియా గేమ్స్ లో గోల్డ్ మెడల్ గెలవడంపై విజయవాడ అమ్మాయి జ్యోతి సురేఖ స్పందించింది. పతకం సాధించడంతో ఆత్మవిశ్వాసం మరింతగా పెరిగిందని చెప్పుకొచ్చింది. ఇస్ ఎడిషన్ మే ఆర్చరీ కా పెహలా మెడల్ థా అండ్ వో భీ హమ్నే గోల్డ్ లియా తో బహుత్ అచ్చా లగ్ రహా హై. ये लम्हा आप कई बार जी हैं और इस लम्हे को एक बार फिर से जीने को मिला जब आप पोडियम पे चढ़ी, नेशनल फ्लैग सबसे ऊपर, नेशनल एंथम, वो भी चाइना की सरजमी पे, वो फीलिंग डिस्क्राइब करिए अपने वर्ड्स में. ये फीलिंग ऐसी है कि एक्सपीरियंस किया जा सकता है पर शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता. तो हर बार जब भी हम गोल्ड जीतते हैं, नेशनल एंथम बजता है तो बहुत अच्छा लगता है. एंड मैं एक चीज पूछना, अपनी केमिस्ट्री बताइए जिसके साथ, जिसके वजह से ये स्वर्ण पदक आया, आप लोग की क्या जुगलबंदी है और क्या ऐसा है कि आप लोग दोनों इतना अच्छा गेट अलॉन्ग करते हैं कि आज देश के लिए स्वर्ण पदक लेकर आए. इसी साल से ओजस के साथ मिक्स टीम खेलने को मिला था क्योंकि ये इसी साल सीनियर टीम में आया है. एंड जब भी हमने खेला हमने अच्छा परफॉर्म किया. एंड अभी भी आप देख सकते हैं कि हमने अच्छा ही करा और आगे भी अगर फिर मौका मिला तो अच्छा ही करेंगे. और इस मेडल से और इवेंट्स के लिए, जो आगे आने वाले इवेंट्स के लिए मोटिवेशन मिलता है आपको? जी जरूर, क्योंकि एक बार अगर जीतते हो तो थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस बढ़ता ही है. एंड कल भी हमारे टीम इवेंट्स है एंड इंडिविजुअल्स में भी फाइनल में है हम, तो ये एक्सपीरियंस तो काम आएगा ही. ఆసియా గేమ్స్ లో బరిలో దిగిన తొలిసారి మెడల్ కొట్టడం అంటే మాటలు కాదు. అయితే ఓజాస్ మాత్రం తడపడలేదు, ఒత్తిడిని జయించాడు, సీనియర్ల మద్దతుతో మెరిశాడు. జ్యోతి సురేఖతో కలిసి గోల్డ్ మెడల్ ను మెడలో వేసుకున్నాడు. హాంగ్ జోన్ లో భారత్ జోరు మామూలుగా లేదు, మెడల్స్ మీద మెడల్స్ ను ఖాతాలో వేసుకుంటోంది. 2018 ఆసియా క్రీడల్లో భారత్ 70 పతకాలు సాధించింది, ఇప్పుడు ఆ సంఖ్యను అధిగమించింది. उम्मीद तो नहीं थी, बट जो हमने प्लान किया था कि एक प्रोसेस को जो फॉलो करना है बस हम वो करते गए एंड रिजल्ट्स आए. जैसे हमारे सीनियर्स ज्योति दीदी है, अभिषेक भैया, रजत भैया, तनु भैया, ये सब लोग उनके एक्सपीरियंस से बताते थे कि कोई टेंशन नहीं, पहले ही एशियन गेम्स है तो यहाँ पे तुमको आपको आप लोगों को खोने के लिए कुछ नहीं है, जो भी है सब पाने के लिए, तो जाओ इंजॉय करो, खेलो और जो है वो रिजल्ट. आर्चरी एक आउटडोर स्पोर्ट है, कंडीशंस भी बहुत मैटर करता है, कैसे विंड चल रहा है उसको भी ध्यान रखना पड़ता है. कभी होता है ओपोनेंट का विंड चल गया तो उसका नुकसान, आपका विंड चल गया आपका नुकसान, तो मतलब क्यों चीजों का ध्यान रखते हैं. आज ओवरऑल कंडीशंस कैसा था आपके लिए, फेवरेबल था? आज वेदर कंडीशन फेवरेबल था, धूप नहीं थी, थोड़ा क्लाउडी था एंड विंड बीच बीच में विंड्स आ रहा था, बट हम टैकल किए उस चीज को और ओवरऑल बड़ा अच्छा था. बिल्कुल. और आपने आप अपनी केमिस्ट्री के बारे में बताइए, जुगलबंदी के बारे में बताइए. अभी आपके बारे में बताई थी कि ज्योति ने बताया कि आप लोग की जो जोड़ी है वो आप नए नए ज्वाइन किए और अभी आते ही मेडल गोल्ड मेडल हुआ, तो अपनी जोड़ी के बारे में कुछ बताएं, पार्टनरशिप. दीदी और मैंने इसी साल इंटरनेशनल डेब्यूट में मिक्स टीम खेलना शुरू किया और दीदी और मेरा नेचर क्वाइट अपोजिट है. दीदी शांत है और मैं थोड़ा जॉली नेचर हूँ, तो दीदी मेरे नेचर को रिस्पेक्ट करती है और मैं दीदी के नेचर को, तो वही कहीं ना कहीं हमारा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के कारण हमारी एक बॉन्डिंग बढ़ी है और उसी के कारण शायद हम मेडल ले सकते हैं. ये एशियन गेम्स आपके पहला था और आप पोडियम पे चढ़े, गोल्ड मेडल लिया और नेशनल एंथम बजा और फ्लैग सबसे ऊपर गया, वो लम्हा चाइना की सरजमी पे गया था, वो एक गूज़बम्स वाला था, आंख पे पूरे ऐसे कांटे आ रहे, तो वो ऐसे वो एक ऐसा मोमेंट है जो मैं उधर फील कर सकता हूँ, उसको मतलब बताना चाहूँ तो भी वो बता नहीं सकता वो, पर जितना भी था वो इंडिया के लिए था तो बहुत अच्छा था. ऑफ कोर्स, और इसके बाद आपके और भी इवेंट्स हैं, बहुत सारे इवेंट्स हैं,
तो उसके लिए कितना मोटिवेशन चाहिए मेडल स्टार्ट में, क्योंकि अभी आर्चरी का पहला मेडल है आप लोग, तो ये मोटिवेशन आगे के इवेंट्स के लिए कैसा है? एक प्लस पॉइंट है जिससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है एक गोल्ड मेडल से, वो भी अच्छी शुरुआत रही तो गोल्ड मेडल से मोटिवेशन है हमारे पास कि हाँ हम कर सकते हैं। और कल भी यही दिमाग में रखेंगे कि जो भी करना है वो इंडिया के लिए करना है।